यूपीएससी एनडीए के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 12 अप्रैल 2024 को यूपीएससी एनडीए एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024 के लिए उपस्थित होंगे वो यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट यानी कि upsc.gov.in के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब होगी परीक्षा, चलिए वो भी बता देते हैं। जानकारी दे दें कि यूपीएससी एनडीए परीक्षा 21 अप्रैल 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक। इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर 12 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 तक उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए आवंटित स्थल पर अपने ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट दिखाना होगा। जो उम्मीदवार आवंटित स्थल पर जांच के लिए अपना ई एडमिट कार्ड नहीं लाएगा उसे परीक्षा देने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को प्रत्येक सेशन में फोटो पहचान पत्र जिसका नंबर ई एडमिट कार्ड में जिक्र है साथ ले जाना आवश्यक है। कैसे डाउनलोड करें यूपीएससी एनडीए एडमिट कार्ड 2024? सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं, फिर होम पेज पर उपलब्ध यूपीएससी एनडीए एडमिट कार्ड 2024 लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल डालना होगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें। अंत में आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लें। अगर बाकी बची जानकारी की बात करें तो एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले उम्मीदवारों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। एंट्री बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।